नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिल्म समीक्षक, हमारे जो न्यूज़ चैनल है मीडिया, और साथ ही साथ मैं आपको मूवी मेकर के बारे में बताएंगे। फिल्म समीक्षक जिसमें लेटेस्ट जो भी न्यूज़ और जो भी फिल्म होगी उसके बारे में बताएंगे, जिसमें फिल्म डायरेक्टर, फिल्म कैसी है और कौन कौन सी पिक्चर आपको देखना चाहिए, किस पिक्चर की क्या कहानी है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलते हैं मूवी मेकर पर। थैंक यू। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र शर्मा। यदि आपके परिवार में किसी को कम सुनने देता है, कान की मशीन उनको लगाने की जरूरत है, तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे छोटी मशीन हम दे रहे हैं मात्र 6,500 रुपये, और स्टार्टिंग है मशीन की हमारी 2100 रुपये। तो जरूर आप हमसे संपर्क करें कान की मशीन के लिए। धन्यवाद। कुछ घटनाएं अपनी कहानी खुद लिखती हैं, और कई बार ये कहानियां इतनी रोमांचक और इतनी असामान्य होती हैं कि उन पर तब तक यकीन नहीं होता जब तक इंसान उन्हें अपनी आंखों से ना देख ले। कभी कभी हमारा ऐसी शक्तियों से वास्ता पड़ता है जो खुद की समझ से भी परे होती हैं। कई बार ये शक्तियां बुरी जरूर होती हैं, पर भी इंसान अपनी हिम्मत और समझ से इन पर अक्सर जीत हासिल कर लेता है। इस दुनिया में रातों का वजूद इसी वजह से है कि उनका सफर अगली सुबह उजाले की बाहों में जाकर ही खत्म होता है। शक्तियां इस संसार में सकारात्मक और नकारात्मक सदा से रही हैं। हम इंसानों पर जब भी नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं, तब अधिकांशतः अध्यात्म की ओर हम लोग चलते हैं। यदि वे भूत प्रेत और वासनाओं से भरी हों, तब हम सकारात्मक यानी ईश्वर की शरण में जाते हैं। इस फिल्म का सार भी यही है। हिमाचल के एक गाँव परागपुर में एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं। कौन मार रहा है इन्हें, क्यों मार रहा है, क्या कुछ साफ हो पाएगी स्थिति, इन सब सवालों से या फिल्म वश दो चार होती हुई आपको भी तकनीकी तथा अन्य कारणों से वश में करती जाती है। हर कहानी की तरह फिल्म में भी मर्डर की वजह है। एक प्रेमी जोड़ा वश शादी के बाद अपने घर में रह रहा है। बीवी को रात में अक्सर कुछ अवांछनीय चीजें दिखाई और अपने साथ होती हुई महसूस होती है। पति ने उसका भ्रम बताता है। एक पत्रकार है जिसने इस भूतों की सच्ची घटनाओं पर किताब भी लिखी है। इधर फिल्म के नायक नायिका रक्षित और आंचल अपनी बढ़िया प्रेम भरी जिंदगी जी रहे हैं। इनके बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है जो आंचल को हर कीमत पर अपनी दुगनी, आपको बता दें जो आंचल को अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। कौन है वह और उसके इरादे क्या हैं, ऐसे कुछ रहस्यों को दर्शकों के लिए अनसुलझा रखा गया है, जिससे ये अतृप्त आत्मा को आम इंसानों की तरह वासनाओं से भरी है वो चाहती क्या है। फिल्म की कहानी के लेखक, एडिटर, डायरेक्टर और डायलॉग लिखने वाले जगमीत समुद्री अच्छे खासे अंतराल के बाद फिल्में बनाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने दर्शकों को डराने तथा मनोरंजन करने के कई मसाले इस फिल्म में रखे हैं। कैमरे के कई उम्दा शॉट्स, गाने, मेकअप, बैक ग्राउंड स्कोर जैसी तकनीकी चीजें भी निर्देशक ने जरूरत के हिसाब से मिलाई है, लेकिन बावजूद इसके दो चार सीन से ज्यादा उसमें उन्होंने डराने वाले शॉट्स नहीं रखे। कायदे से एक दो फिल्म को छोड़ भूतिया फिल्में हिंदी पट्टी में कोई बना ही नहीं पाया है। फिल्म में आंचल बनी गंगा ममगाई इस फिल्म के निर्माता भी है। अभिनय के मामले में वे कहीं कहीं फिसलती हैं, लेकिन इंटरवल के बाद और खास करके बाथटब में नहाने वाले सीन और रात में देर रात में हुक्के को देखने के बाद सीन जरूर अच्छे हैं। बहराम सिंह बने विशाल सुदर्शन ने सबसे बढ़िया काम किया है। हार्दिक तथा विशाल सुदर्शनवर ने और ऋतुराज सिंह इस फिल्म के सबसे मजबूत कड़ी रहे हैं। साउंड टीम सौमित देशमुख ने फिल्म को मजबूती प्रदान करने वाले साउंड का निर्माण किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और इसके VFX प्यारे हैं। साथ ही एडिटिंग के मामले में यह फिल्म कमाल है, किंतु इसकी लंबाई कुछ कम करके इसमें और ज्यादा विकृत रूप, चेहरे मोहरे दिखाई हुए भय पैदा किए जाते हैं, तो यकीनन यह फिल्म लंबे समय बाद पर्दे पर भय और रोमांस से दिखाने में कामयाब होती है। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने काफी समय से भूतिया फिल्में ना देखी हों और ऐसी कहानियों को देखना चाहते हैं, तो यह हफ्ते 21 जुलाई को सिनेमाघरों में। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं शनि श्रीमान। आपके परिवार में किसी को पाइल समस्या बवासीर के से पीड़ित है, तो आप बिल्कुल हमारी आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं। दवाई की कीमत मात्र 2100 रुपए गारंटी के साथ है, आपकी दर्द से मुक्ति मिलेगी 2100 रुपए। थैंक यू।